और धमतरी जिले के कुरुद क्षेत्र के गांव सिर्री में बीते एक साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आहरण के लिए पंचायत से प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, इसलिए नल जल योजना, सड़क और मेंटेनेंस ठप पड़ा हुआ है। गोठान योजना के लिए भी जगह चिन्हित की गई है और पंचायत सचिव प्रेम सिंह साहू ने बताया कि आपसी मतभेद के चलते प्रस्ताव नहीं पास हो पाया है। आंगनबाड़ी भवन 6.5 लाख, गोठान और 10.58 लाख रुपए और बाजार शेड निर्माण 11 लाख जैसे काम पंचायत के लिए स्वीकृत किए गए हैं और विधायक मद से 3 लाख वापस होने की जानकारी भी दी गई है। मामले में जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने कहा कि शासन की योजना का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पंचायत में जो विकास कार्य है वो काफी समय से रुका हुआ है और ग्रामीणों को योजना का फायदा कब मिलता है इसको लेकर सभी ग्रामीणों की नजर इस पर बनी हुई है और काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। सड़क और मेंटेनेंस के काम काफी समय से यहाँ पर रुके हुए हैं और विभाग में आपसी मतभेद का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते विकास कार्य अभी तक रुके हुए हैं। तो वहां के रहवासियों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इसके चलते, और इन योजनाओं का लाभ कब मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ वजह किस जो काम है मेंटेनेंस के काम सारे रुके हुए हैं? गांव में सरपंच और उप सरपंच के बीच विवाद की स्थिति है और इसी कारण गांव का विकास रुका हुआ है। उप सरपंच चाहते हैं कि रकम का जो आहरण होता है सरकारी पैसे का, उसका अधिकार उन्हें हो और ये सरपंच नहीं होने देना चाह रहे हैं क्योंकि ये सरपंच का अधिकार है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति है। उनको लगभग कितने समय से काम रुका हुआ है? ये लंबे समय से काम रुका हुआ है, लाखों रुपए जो है वो लैप्स हो चुके हैं। धमतरी जिले में कुरुद के विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने 3 लाख रुपए दिया था रंगमंच के लिए, वो भी पैसा वापस हो गया और उप सरपंच और सरपंच। चलिए अंकुर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।